हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 20 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 20 जून 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल NJT ऐप पर। क्विज सॉल्व करने के बाद दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाओगे, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? तो वो होता है महावीर चक्र। अगला था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल किस राज्य को मिले थे? तो महाराष्ट्र को मिले थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल। आयोजन हुआ था इसका गुवाहाटी में। ये था संस्करण तीसरा। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, 19 जून 2020 को राज्यसभा की कितनी सीटों पर मतदान हुआ? तो दोस्तों 19 जून 2020 को राज्यसभा की 24 सीटों पर मतदान हुआ है। राज्यसभा आप सभी को पता है भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है और इसकी 24 सीटों पर अभी दोस्तों मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है। अब इन 24 सीटों में एक्चुअली में देखा जाए तो मतदान तो वोटिंग हुआ केवल 19 सीटों पर, क्योंकि 5 सीटों पर जो चुनाव होना था वो निर्विरोध हुआ। जब निर्विरोध होता है यानी कि कोई विरोधी खड़ा नहीं हुआ तो चुनाव कैसा, उसको डायरेक्ट चुन लिया जाता है। तो 5 सीटों पर निर्विरोध हुआ, उनको निर्विरोध चुन लिया गया, बाकी 19 सीटों पर चुनाव हुआ था। अब इन 19 सीटों में दोस्तों इस बार NDA ने जीता है, NDA की पार्टी ने जीता है 10 सीटें। अब UPA ने कितना जीता है? UPA ने 5 सीटें जीती और बाकी बची जो 4 सीटें हैं उसे जो YSR कांग्रेस है आंध्र प्रदेश वाली उसने जीती है। ठीक है, तो ये 4, 10 और 5 टोटल हो गई 19 सीटें। BJP इस बार 8 सीटें ले आई और कांग्रेस की इस बार 4 सीटें थी। आपको पता होगा BJP और अन्य कुछ पार्टियां हैं मिलकर के NDA बनाती हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किस राज्य में कितने सीटों पर हुआ है चुनाव? तो दोस्तों टोटल 8 राज्यों में चुनाव हुए। गुजरात में 4 सीटों पर चुनाव हुआ, आंध्र प्रदेश में भी 4 सीटों पर चुनाव हुआ, MP यानी मध्य प्रदेश में हुआ दोस्तों 3 सीटों पर चुनाव, राजस्थान में हुआ दोस्तों 3 सीटों पर चुनाव, झारखंड में हुआ 2 सीटों पर चुनाव। अब मेघालय, मिजोरम और मणिपुर इन तीनों जगह पर एक एक सीटों पर मतदान हुआ। मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, क्लियर है? तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से थी 19 सीटें जिस पर हुए चुनाव। ठीक है, टोटल 24 सीटों पर चुनाव हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 सीटों पर निर्विरोध चुना गया है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। वैसे संसद की वीडियो मैंने आपको दी हुई है, संसद में मैंने आपको राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था। राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या है 245। अब इसमें जो 12 होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ये 12 जो होते हैं ये अपने अंदर एक स्पेशल क्वालिटी रखते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला या खेल के क्षेत्र से जो विशेष अपना योगदान दिए रहते हैं देश को, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति चुनता है 12 लोगों को। ठीक है, बाकी जो होते हैं 233 लोग, इनका चुनाव होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि हर दूसरे वर्ष एक तिहाई जो होते हैं वो चेंज होते हैं, रिटायर होते हैं, और एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष लिए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल इस प्रकार से कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है। 6 वर्षों में ये टोटल कार्यकाल होता है, लेकिन जब एक तिहाई हर दूसरे वर्ष चेंज होते हैं इस वजह से ये जो राज्यसभा होता है ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, एक साथ भंग नहीं होती है। और ये बात मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाई थी संसद वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। तो इस वजह से राज्यसभा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुनेंगे? तो 75 संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों बोल्कन बोज़किर। कौन? बोल्कन बोज़किर, ये दोस्तों तुर्की के राजनयिक हैं और अभी हाल ही में इनके पक्ष में 178 लोगों ने, सदस्यों ने वोट किया है। ठीक है, 178 सदस्यों ने इनके पक्ष में वोटिंग की है। तो ये अगले एक वर्ष के लिए चुने गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष। 75वां सत्र कब से शुरू होगा? तो ये सत्र दोस्तों शुरू होने वाला है सितंबर मंथ से, इसी वर्ष 2020 में सितंबर मंथ में। प्रत्येक वर्ष दोस्तों एक वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाता है।
तो अगर बात करें कि वर्तमान में अभी कौन है, क्योंकि ये तो सितंबर से शुरू हो गया इनका कार्यकाल शुरू होगा, तो वर्तमान में अभी हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे। तो इनका कार्यकाल जब ही समाप्त होगा तो इनकी जगह पर आ जाएंगे वोल्कन बोजकिर। क्लियर? बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थापना दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी 1945 में, न्यूयॉर्क में ही है इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, ये तो था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अभी आपको याद आया होगा कुछ दिन पहले ही WHO का यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी एक होता है जनरल असेंबली, यानी वर्ल्ड हेल्थ जनरल असेंबली, विश्व स्वास्थ्य महासभा। तो इसके इस बार अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसे भी आपको याद रखना है, साथ साथ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में, मास्क डे के रूप में मनाने की घोषणा की, और पूरे राज्य भर में पूरे राज्य के लोगों के द्वारा ये मनाया गया। किस लिए मनाया गया? जिससे लोग दोस्तों COVID-19 फैलने से रोकने के बारे में जागरूक हो सकें, और साथ ही साथ सैनिटाइजर, मास्क का यूज़ करना, साबुन से हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, इन सभी चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। इसी वजह से मास्क दिवस मनाया गया 18 जून को कर्नाटक के द्वारा। अब कर्नाटक आया है तो कर्नाटक से दो पॉइंट याद रखिएगा। एक तो अभी हाल ही में कर्नाटक ने मेघ संदेश नाम का ऐप लॉन्च किया था, मेघ संदेश, ठीक है। और दूसरा कि फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के जो आम के किसान हैं, आम की खेती करने वाले किसान हैं, कर्नाटक मैंगो एक संगठन है, उसको फ्लिपकार्ट से जोड़ा था, ठीक है, जिससे जो आम की खेती करने वाले किसान हैं उनको लाभ मिल सके। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्टैटिक के बारे में बात करें तो बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानी जाती है। कर्नाटक ये रहा मैप में आप। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा जी, BJP पार्टी से हैं, ठीक है। गवर्नर हैं वजुभाई वाला। बांदीपुर नेशनल पार्क और नागर होल नेशनल पार्क है कर्नाटक में ही। हाईकोर्ट है कर्नाटक हाईकोर्ट, और कर्नाटक हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में एक एयरपोर्ट है कैंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो कैंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, इसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया था, इस वजह से अभी हाल ही में चर्चे में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने चीन की कंपनी से कितने करोड़ का करार रद्द किया? तो भारतीय रेलवे ने दोस्तों अभी हाल ही में चाइना की कंपनी से 471 करोड़ का करार रद्द कर दिया है। इससे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे रद्द कर दिया है। पूरे देश भर में दोस्तों हमारे 20 जवानों के शहीद हो जाने पर गुस्सा है, हर जगह बायकॉट चाइना चल रहा है। लेकिन उसी कड़ी में तो ये रेलवे भी अभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है। हालांकि इसके पीछे का कारण रेलवे ने कुछ और ही बताया है। क्या बताया है इसके बारे में जानने से पहले इस डील के बारे में जानिए। तो ये डील हुई थी 2016 में भारतीय रेलवे के ही DFCCIL के बीच में बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन के साथ हुई थी। किसके साथ? बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन के साथ। इस डील के तहत ये था कि 2019 तक कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के बीच में टोटल 417 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था इस चाइना की कंपनी को। तो ये डील पूरी हो जानी थी 2019 तक, लेकिन डील का अभी केवल 20% ही पूरा हो पाया है। तो इस वजह से इंडियन रेलवे ने ये कारण बताया है कि आप बहुत लेट कर रहे हो, इस वजह से हम आपसे डील रद्द करते हैं, ठीक है। तो ये तो इंडियन रेलवे ने कहा है, लेकिन बैकग्राउंड में कारण क्या है आप सभी लोग को पता है। अच्छा, अभी इंडियन रेलवे ने दोस्तों एक रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, दुनिया का पहला हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट चालू करके, जिसके तहत दो जो मालगाड़ी के जो टैंकर होते हैं वो एक साथ एक ही बार में एक के ऊपर एक ले जाने की जिसकी क्षमता थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी COVID-19 देखभाल सुविधा कहाँ खोली गई? दोस्तों ये खोली गई है दिल्ली में। विश्व की सबसे बड़ी COVID-19 देखभाल सुविधा केंद्र होगा ये। हालांकि ये अस्थाई होगा इसकी, लेकिन क्षमता होगी 10,000 बेड की। 10,000 बेड वाला ये COVID-19 देखभाल सुविधा केंद्र होगा, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है। अभी जो दिल्ली में राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र है दोस्तों, इसे ही चेंज किया जा रहा है राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को। तो जाहिर सी बात है हमेशा के लिए तो इसे चेंज नहीं किया जाएगा, इसे जब तक COVID-19 महामारी चल रही है तभी तक के लिए चेंज किया जा रहा है।
तो इसीलिए ये अस्थाई है। ठीक है, तो कोविड 19 देखभाल सुविधा केंद्र के रूप में इसे परिवर्तित किया जा रहा है और इसे कुछ इस प्रकार से बनाया जा रहा है जिससे इसके जो बेड हैं वो असेंबल्ड किए जा सके। ठीक, तो ये होगी विश्व की सबसे बड़ी कोविड 19 देखभाल सुविधा केंद्र। क्लियर है, तो दिल्ली ने इसे शुरू किया है। अब दोस्तों दिल्ली आया है तो दिल्ली से एक पॉइंट और रिवाइज कीजिए। दिल्ली कोरोना नाम का एक ऐप अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था। किस नाम का? दिल्ली कोरोना ऐप, जो कि हॉस्पिटल्स में बेड और वेंटिलेटर्स के बारे में बताता कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड और कितने वेंटिलेटर्स खाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने सरल नाम का होम लोन स्कीम शुरू किया? तो अभी हाल ही में ICICI होम फाइनेंस लिमिटेड ने दोस्तों सरल नाम का एक होम लोन स्कीम शुरू किया है। सरल, ठीक है, ये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए है। इस स्कीम का लाभ दोस्तों महिलाएं और जो स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी के जो भी कस्टमर्स हैं वो सब, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं वो सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे सरल स्कीम का। क्लियर है, तो मैक्सिमम इससे 35 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। ये होम लोन है एक प्रकार से, ठीक है, 35 लाख तक का होम लोन लिया जा सकता है। कितने इंटरेस्ट पर? 7.98% के इंटरेस्ट रेट पर। ICICI होम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में जानिए। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अनूप बागची। कौन है? अनूप बागची। इसके MD और CEO हैं अनिरुद्ध कमानी। कौन है? अनिरुद्ध कमानी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहां पर ICU बेड और वेंटिलेटर्स की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में मुंबई में दोस्तों लॉन्च किया गया है एयर वेंटी ऐप। जैसा अभी मैंने आपको दिल्ली के बारे में बताया कि दिल्ली ने दिल्ली कोरोना नाम का ऐप लॉन्च किया था, इसी वजह से, जिससे लोग हॉस्पिटल्स में कितने ICU बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर्स खाली हैं, इसके बारे में जानकारी मिल सके उनको। ऐसे ही मुंबई ने एयर वेंटी नाम का ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ग्रेटर मुंबई नगर निगम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है एयर वेंटी ऐप। इसका भी सेम वही काम होगा कि हॉस्पिटल्स में पता लगाया जा पाएगा कि कितने ICU बेड और कितने वेंटिलेटर्स खाली हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के लिए एक अध्यादेश जारी किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार ने आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। अब ये जो अध्यादेश है, ये जो ऑर्डिनेंस है, इसका नाम क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है पूरा तेलंगाना आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल अध्यादेश 2020। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, नोट करना चाहो नोट कर लो, तेलंगाना आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल अध्यादेश 2020। तो इसको अभी हाल ही में तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन जी, उन्होंने ही लाया है। ठीक है, तो अध्यादेश तो जैसे कि सेंटर में अगर बात की जाए तो अध्यादेश राष्ट्रपति लाता है, लेकिन अगर स्टेट्स में बात की जाए तो स्टेट का जो महामहिम होता है वो राज्यपाल होता है। तो यहाँ की जो राज्यपाल है उन्होंने अध्यादेश लाया हुआ है। ठीक है, तो किस राज्य में आया? तेलंगाना में आया। अब इस अध्यादेश के तहत होगा क्या, यानी क्यों ये लाया गया? तो दोस्तों इसके तहत जितने भी आपदा और मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उस दौरान किसी भी व्यक्ति, किसी भी कर्मचारी या कोई भी जो पेंशनर हो, उनकी सैलरी ना रोकी जा सके, तो इसलिए ये अध्यादेश लाया गया है। ठीक है, चलिए अब तेलंगाना आया है, तेलंगाना के बारे में जानिए। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। 2 जून 2014 को ये तेलंगाना 29वें भारतीय राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। 2 जून को ही इसी मंथ में ही मनाया गया तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तब भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, हो गए थे। के चंद्रशेखर राव जी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन जी। यहाँ का हाईकोर्ट है तेलंगाना हाईकोर्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? यहाँ के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान जी। तेलंगाना अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो तेलंगाना दोस्तों अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश से शेयर करेगा ही, क्योंकि इसी से तो अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र से और कर्नाटका से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भारत में कहां पर ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की? तो दोस्तों ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है ये भारत के पुणे में, पुणे महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां पर दोस्तों ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की। ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है दोस्तों ये ब्रिटेन की एक मेन ऑयल कंपनी है। अपने ग्लोबल बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पुणे में ये ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है।
तो ये खुल जाएगा कब तक, 2021 तक, 2021 से ये इसका संचालन शुरू हो जाएगा। इससे लगभग दोस्तों 2000 लोगों को रोज़गार मिल सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस सरकारी बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत की तीसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक है। तो इसने अपनी जितनी भी लोन प्रक्रिया है, लोन के प्रोसेस हैं, जितने भी प्रकार के लोन होते हैं, चाहे होम लोन, एमएसएमई लोन, ठीक है, पर्सनल लोन, केसीसी, ऑटो लोन, सभी के प्रोसेस को ये पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा आया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो आप लोग जानिए, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है दोस्तों SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड पर है PNB, और PNB के बाद थर्ड पर नंबर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो दी हुई है। टोटल 12 सरकारी बैंक हैं और 12 सरकारी बैंक पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। मैंने आपको ये भी वीडियो दी है जो अभी हाल ही में 10 बड़े बैंकों का विलय होकर 4 बैंक बना था, इस पर भी वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन में जाकर के सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पर वीडियो का नाम उसके बाद मिश्रा जी टेक्निकल लिख दीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बात करते हैं हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो इसमें दोस्तों 2019 में ही एक बहुत बड़ा विलय हुआ था, विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों का विलय होकर के बैंक ऑफ बड़ौदा में ही विलय हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया था। ठीक है, स्थापना इसकी हुई है 20 जुलाई 1918 को वडोदरा गुजरात में। इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है हसमुख आधिया जी, MD और CEO हैं इसके संजीव चड्ढा जी। क्लियर है बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की करंट अफेयर। कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक तो आप लोग ज़रूर कर दिया करो, वीडियो आप एंड तक देखते आए हो तो जाहिर सी बात है आपको पसंद ज़रूर आई होगी, नहीं तो आप स्किप कर दिए होते। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। अच्छा, सब्सक्राइब से याद आया दोस्तों, एक नया चैनल बनाया गया है आप लोगों के लिए ही, कुछ नए प्रकार से सीरीज स्टार्ट करने के लिए, कुछ नए स्टैटिक GK GS, स्पेशल GK GS और वीकली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग उस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर जो कार्ड बनकर आ रहा है, यहाँ से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि उस पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाली हैं। बात करते हैं क्वेश्चन सदर डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला है, हाल ही में बहरीन में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। तो अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो, MZT ऐप ओपन करो और इसकी क्विज सॉल्व कर लो। ठीक है, MZT ऐप पर दोस्तों बहुत नई नई चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है बैकग्राउंड में। तो आप लोग MZT ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हो तो जल्दी से इंस्टॉल कर लो। बात करते हैं उन लोगों की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है मनु पांडे, श्याम शेर कुमार, शुभम यादव, ज्योति पचौरी, साक्षी पांडे, सुरभि गुप्ता, स्वर्णेश्वर कुमार, प्रेरणा राय, शिवानी कुमारी, ब्रजेंद्र पाल, शुभम नामदेव, अमित चौधरी, दिव्या पांडे, रविशंकर, वंदना अग्रवाल। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।